हेलो जी, गुड इवनिंग। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। जनपद गए थे दोबारा से, कुछ ड्रेसेस वगैरह चेंज करनी थी, कुछ नई खरीद के आई है डॉली, और वो बाद में दिखाएंगे आपको। और डोसा खा के आए हैं, काफ़ी पुरानी यादें हम ताज़ा करके आए हैं। उसमें स्कॉटवे सार्थक चैनल में देख लेना आप क्या क्या करके आए हैं, कहाँ पर मस्ती हैं, कि घूमे फिरे और इन्जॉय किया है हमने। और टाइम हो चुका है रेसिपी का, यार बढ़िया सी रेसिपी है। कल मैंने बनाए थे शाही कोफ्ते घिया वाले, सबको पसंद आया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया। और अब गर्मी का सीज़न आ चुका है, ठीक है जी। दरवाज़ा बंद करते, पीछे पीछे हो गई है। गर्मी का सीज़न आ चुका है, गर्मी का सीज़न आ चुका है। और बढ़िया सी शाही मैंगो कुल्फ़ी बनाते हैं, थोड़ी सी रिचनेस के साथ। और मिल्क में डालेंगे, दूध डालेंगे, दो तीन चीज़ें डालनी है। फर्स्ट क्लास कुल्फी बन के तैयार हो चुकी है। पैन हमने ले लिया है, इसलिए चाय बनाने के लिए पैन आई थी। चाय इसमें एक बारी भी नहीं बनी है, पहले वाले में बन रही है। और इसके अंदर पहले बनाया था मैंने, पिछले संडे बनाया था रोड बाबा जी के लिए, बाबा बालकनाथ जी के लिए रोड बनाया था। और फिर दोबारा मीठा बन रहा है इसके अंदर। तो गाइस, कुल्फ़ी के लिए मैंने दूध ले लिया है, तकरीबन आधा लीटर मैंने दूध ले चुका हूँ कुल्फ़ी के लिए। और इसको रिड्यूस करना है दूध को, तकरीबन आधा किलो जो दूध है वो 200 ग्राम के आसपास रह जाए, तब तक इसको रिड्यूस। तो गाइस, मैंगो स्टफ़ कुल्फ़ी भी बनती है, और मैंने पिछले साल बनाई थी, मतलब जब मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाता था, और दो तीन बारी बनाई थी। वो बनती है सबसे बढ़िया दशहरी आम, जो दशहरी आम आते हैं ना, जो सीज़न में जून में आते हैं, उसमें सबसे बेस्ट वो मैंगो स्टफ़ वाली कुल्फ़ी बनती है। आगे वो आएंगे तो वो भी बनाऊँगा। अभी तो मैंने मैंगो ले लिया था, उसका पल्प निकाल लिया है मैंगो का, और दूध मैंने रख दिया है गैस पे चढ़ाने के लिए। आधा किलो दूध लिया है, दूध थोड़ा सा। गाइस, हमारे साथ ना पॉपट हो चुका है। डॉली जी, पॉपट क्या हुआ है? मैंगो लेकर आया था मैंने, इनको कहा था, और डॉली ने मना कर दिया था। मैंगो निकला ख़राब, बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से बिल्कुल ख़राब मैंगो। और मसाले वाले मैंगो आ रहे, अभी तो खैर सीज़न भी था नहीं है मैंगो का, और मैंगो हो चुका है ख़राब। अब कुल्फ़ी तो बनानी पड़ेगी, अब देखते हैं किसकी कुल्फ़ी बनाते हैं। मेरी बना दो, तेरी कुल्फ़ी दो। तो गाइज, अब कुल्फ़ी बनाने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। हमारे पास एक और आइडिया है, होली आने वाली है। आप लोग क्या पीते होली के अंदर? होली में सबसे ज़्यादा जो पीने वाली चीज़ क्या होती है? ठंडाई। ठंडाई, तो गाइज ठंडाई वाली कुल्फी बनाएंगे। ऐसे किया कुछ और तो नहीं, मतलब हमने समझ लिया? अरे नहीं यार, वो उनको पता ठंडाई पीते हैं यार, ऐसे पीने से मतलब वही होता है यार, कमाल करते हो पांडे जी आप। और गाइज ठंडाई वाली कुल्फी बनाएंगे। ठंडाई के पाउच हमारे पास पड़े थे, वो भी दो पाउच पड़े हुए हैं, उसमें आराम से कुल्फी बन जाएगी बड़े बड़े। और जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी हमारे पास जो ठंडाई वाले जो पाउच पड़े हुए हैं, ठंडाई वाली कुल्फी बनेगी बढ़िया सी मस्त वाली, क्योंकि होली आने वाली है और ठंडाई वाली कुल्फी बहुत बढ़िया बनाएंगे। क्योंकि मैंगो ख़राब हो चुका है, बिल्कुल बेकार सा मैंगो निकला है। दो फिर बेकार है, पेट खराब हो गया, खराब चीज़ है। ये पाउच है ठंडाई के हमारे पास पड़े हुए थे, और ये ठंडाई बनी हुई है मस्त वाली, इसमें सारी चीज़ें आई हैं। ठंडाई का पाउडर है, दूध हमारा बॉयल हो चुका है, अब इसमें डालेंगे ठंडाई। गाइस, ठंडाई पाउडर मैंने डाल दिया, और इसको लगातार अब मैं चलाता जा रहा हूँ, क्या मस्त फ्लेवर आएगा ठंडाई। गाइस, बाकी सारी कुल्फी तो मैंने बनाई हुई है। चीकू भी बड़ा था वैसे हमारे पास, ऑरेंज भी बड़ा हुआ था, पपीता भी बड़ा हुआ था, फ्रूट में स्ट्रॉबेरी भी पड़ी हुई थी, चार चीज़ें अभी फ्रूट पड़े हुए थे हमारे पास। मगर मैंने कहा यार होली आ रही है तो ठंडाई की कुल्फी बनाते हैं, बड़ी मस्त वाले ठंडाई के दो पाउच पड़े थे और यूज़ भी हो जाते, वैसे लोग बच्चे पीते नहीं, कुल्फ़ी बनाऊंगा तो आराम से खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क मेड भी पड़ा हुआ है हमारे पास, मिल्क मेड भी जाएगा, अभी ये रिड्यूस हो रहा है दूध, और इसके बाद मिल्क मेड जाएगा और दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल मिक्स कुल्फ़ी वाला। उसको फ्रीज़र में रखेंगे, बस पिस्ता डाल के कट करके कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी जी। गाइस, दूध हमारा बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, अब टाइम हो चुका है इसके अंदर क्या डालने का, मिल्क। तो गाइस, इसमें अब जा रहा है मिल्क मेड। गाइस, मिल्क में डालने के बाद ना मैंने चीनी भी डाल दी, थोड़ी सी चीनी डाली क्योंकि मिल्क में भी चीनी होती है, और दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया हमारा, बिल्कुल गाढ़ा हो गया ये वाला दूध। मोल्ड से जाके मैंने रख दिया, कुल्फी वाले मोल्ड पड़े थे और मैं मिट्टी वाले मोल्ड भी ले आया हूँ, और ये हमारा मिक्स हो चुका है तैयार, इसको करते हैं अब ठंडा। तो गाइस, मिक्स का क्या हाल चुका है? मिक्स हो चुका है ठंडा, बिल्कुल मस्त वाला ठंडा हो चुका है जी मिक्स हमारा। और जो आइसक्रीम कुल्फी जमाएंगे ना, इसमें मिट्टी वाले कसौली में कुल्फी जमाएंगे, इसमें जमाएंगे, ठीक है जी। और सुबह करेंगे डी मोल्ड, अभी इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, कवर करके फ्रिज में रखना है, और बढ़िया सी कुल्फी हमारी बनकर ठंडाई वाली कुल्फी होली के सीज़न में ठंडाई। तो गाइस,
अब हमारी जो कुल्फी का डॉली जी, हाँ जी, कुल्फी का मिक्स बनकर तैयार हो गया। बनानी मैंगो कुल्फी थी, हमने मोल्ड सारे धो दिए, मोल्ड मैंने धो दिए, बनानी थी मैंगो कुल्फी थी, वो बन गई ठंडाई कुल्फी। तो गाइस कोफ्ते हमारे बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं, बिल्कुल ये कढ़ाई खाली हो गया है पूरा। बर्तन सारा निकाल देती हूँ, साफ कर देती हूँ किचन। और गाइस अब मोल्ड में डालते हैं और सुबह देखते हैं इसकी कुल्फी की क्या हालत होती है, क्या मस्त कुल्फी बनेगी, हालत क्या होती है, जम के मस्त टेस्ट क्या हालत होगी, मतलब बढ़िया बनेगी, पिस्ता बढ़िया। उसमें हम डेकोरेशन कर लेंगे, थोड़ा गार्निश कर देंगे बढ़िया सी पिस्ता के साथ, ठंडाई वाली कुल्फी पिस्ता के साथ, और बहुत मस्त लगेगी। गाइस कुल्फी हमारी बिल्कुल बनने के मोल्ड में डाल दी है और इसको फ्रिज में रखते हैं, पूरी रात फ्रिज में रखेंगे, सुबह मस्त वाली कुल्फी हमारी जम जाएगी बढ़िया सी। गाइस बस मोल्ड में डाल के मैंने फ्रिज में जमाने के लिए कुल्फी रख दी, अब सुबह उसकी देखते हैं रंगत क्या आएगी और क्वालिटी कैसे निकलेगी मोल्ड में से जब निकलेगी। तो प्लेटिंग करेंगे बढ़िया सी, आपने देख लिया होगा, सिर्फ तीन चार चीज़ें चाहिए। दूध को रिड्यूस करने, आधा किलो दूध को 200 ग्राम तक दूध रह जाएगा आपका। मिल्क मेड आप डाल सकते हो, अगर ना डालना चाहो ना डालो, आपके पास नहीं है तो मत डालो जी। दूध को रिड्यूस कर दो, तकरीबन समझ लो अगर आप 1 किलो दूध लेते हो ना तो 400 ग्राम के करीब दूध रह जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी का बल्ब डाल सकते हो, मैंगो का बल्ब डाल सकते हो, ठंडाई का पाउडर डाल सकते हो, कोई भी चीज़ डाल के मोल्ड में डाल के बस कुल्फी सिंपल सी बन जाती है बढ़िया सी। और अब सुबह देखेंगे हालात क्या है। ऐसे निकाल लिया है कुल्फी बढ़िया सी और हमारी कुल्फी गई है फर्स्ट क्लास, जम गई है दोनों की दोनों कुल्फियाँ, ये भी टाइट हो गई, खोल के दिखाता हूँ आपको। तो गाइज ये बिल्कुल कुल्फी जम गई है, इसको डेकोरेशन करते हैं और बढ़िया सी एक सजावट करके फिर आपके साथ। गाइज बढ़िया सी हम सजावट कर रहे हैं और कुल्फी हमारी बढ़िया सी हमारी बनकर हो चुकी है तैयार, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी कुल्फी बनी है, ठंडाई वाली कुल्फी है, एक बार खाओगे तो याद रखोगे आप। और बनाना इसी तरीके से सिंपल सी रेसिपी है, फटाफट बन जाएगी। और घर में ना काम स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको कल कॉफी साथ वाले चैनल में दिखाऊंगा कि हमारे रूम के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कल का ब्लॉग जरूर देख लेना। बस इसको डेकोरेशन करते हैं और आपको, तो गाइस ये देखो आप फटाफट इसमें से ना ये निकल रही है, आराम से कुल्फी निकल रही है। अब सजावट कर लेते हैं इसकी बढ़िया सी, फर्स्ट क्लास की प्लेटिंग कर लेते हैं। बढ़िया सी प्लेटिंग हो चुकी है, कुल्फी सज चुकी है और मैडम जी खा के इंजॉय करके बताएंगी आपको, फ्रंट कैमरे के अंदर आने वाले हैं। एक बार सजावट देख लो इसकी बढ़िया सी। टाइम है कुल्फी चखने का, काकू नहीं है, नानी घर गया हुआ है और मैडम जी चक्कर दिखाएंगे बताएंगी। और जो हमारी जो कुल्फी है और बनकर हो चुकी है रेडी, ये देखो जी इधर देखो पहले आप, अच्छा जी रेडी हो चुकी है, इसमें से कप में से खा लो, जिसमें से मर्जी खा लो, इसमें से ही खा लेते हैं, पकड़ना पड़ेगा, टाइट है ना काफी ज्यादा, जमी हुई है मस्त एकदम प्रॉपर तरीके से है ना। तो गाइस आप भी खाइए इंजॉय, पहले गाइस को खिलाइए, ले लीजिए गाइस खाइए प्लीज, और खा के देखो आप, अच्छा लग रही है। तो गाइस ये देख लो और खिला दो। तो गाइस आप देख लेना और इसी तरीके से बनाना, फ्लेवर कोई भी डाल सकते हो, ठंडाई वाला फ्लेवर बहुत बढ़िया सा है। और घर में चल रहा काम, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, उसके साथ साथ हमने सोचा मैं क्या इस ब्लॉग का ट्रायल करना है, क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है, रात भर फ्रिज में रही है और सुबह फ्रिज से बाहर आई है, मैंने कहा चलो प्लेटिंग करके फटाफट आपको दिखा दूं और बस 5 मिनट के अंदर ब्लॉक का एंड करते हैं जी फटाफट। पहले डॉली खा ले, पर कुल्फी को एंजॉय कर लिया। डॉली जी कुल्फी कैसे बनी थी? बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज्यादा। अब डॉली बना रही है चावल और हमने मंगा लिए बाहर से दाल, क्योंकि सुबह का काम में लगे हुए हैं बाहर से, सारा गंदा ना मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा ना, मैं कहा चल अभी कर लेते हैं, रात को करना है अभी कम, अंदर मैं दिखाता हूं सारा सेटिंग करना है, कमरे की हालत क्या हो रखी है देख लो, कमरे की हालत ये हो रखी है सारा। अब काम जो होगा वो आपको मैं दिखाऊंगा, पड़ेगा जी। तो गाइस जो कुल्फी बनी है बहुत ज्यादा टेस्टी बनी हुई है, बस एंजॉय करते हैं। पावर होना चाहिए ना बंदे के पास, आग पिचकाए सारा काम गायब, जैसे पिक्चर में दिखाते ना जीनी ये मतलब डॉली करे जिन्नी जॉनी वाला का, ऐसे आंखें बंद करो आंखें खोलो, ऐसे हर एक चीज सही हो जाते फटाक से एकदम, कितने कितने दिन लग जाते हैं। अब किचन में भी, किचन में गाइस हमने पहले लग गया था, हमें 10 दिन लग गए थे किचन में, छोटा सा किचन था इतना टाइम लग गया, अब छोटा सा किचन था मतलब अब तो सुंदर हो गया, पहले तो ऐसे हो रखा था, सामान होगा तो भैया थोड़ा तो लगेगा ना। ये 3D टाइल्स लगाई थी हमने आपको बताया ना, और बहुत अच्छी लगती है, क्या कहते हैं बस टाइम लगेगा अब काम करने में, कम से कम भी भैया कह रहे हैं कि अगर काम होगा तो 1 हफ्ता आराम से आपका लग जाएगा, कल है छुट्टी, बाकी मंगलवार जाएंगे डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या क्या चीजें लगवानी है, और पैनल लगना है या वॉलपेपर लगना है या क्या क्या चीजें लगनी है उसके ऊपर, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ कि हमने क्या करवाना है क्या नहीं कराना,
ठीक है जी। और गाइस इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। और हमारे काकू फैमिली ब्लॉग में इंस्टाग्राम पे भी 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, जिनसे आप इतना लोग प्यार करते हो। और कल भी हम जनपद गए थे, हमारे सब्सक्राइबर भी मिले थे, उसके बाद कॉफी होम में भी मिले थे, फिर हनुमान मंदिर के बाहर थे वहाँ पर भी मिले थे। मतलब जहाँ पर जाओ आप लोगों का प्यार हमें बेशुमार मिलता है, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना जी अपना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका दिल से जी। करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।